श्रावण सोमवार और नागपंचमी का अद्भुत महासंयोग निर्मित हुआ है और आज के दिन यदि आप रात 9 बजे के पहले पहले इस तरह से 5 आटे के दीपक लगा देंगे तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी नष्ट हो जाएगी तथा आपके घर में महालक्ष्मी का निवास होगा। क्योंकि सोमवार के दिन वैसे भी यदि इस तरह से आप दीपक जलाते हैं तो उसका कई गुना फायदा होता है, लेकिन श्रावण का महीना है, सोमवार का दिन है तथा इसमें भी नागपंचमी का दुर्लभ अवसर है, तो ऐसे शुभ अवसर पर यदि आप 5 दीपक जैसा हम बताने जा रहे हैं उस तरीके से उस विधि से प्रज्वलित करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अष्टलक्ष्मी का निवास होगा, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होगा और दसों दिशाओं से आपके घर में रुपया पैसा बरसेगा। आपके घर में किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं आएगी, बस जरूरत है आपके विश्वास की, आपकी श्रद्धा की और आपकी पवित्रता की। आप निर्मल मन से, पवित्र मन से यदि शिव मंदिर में, शिवालय में जाकर के शिवलिंग के सामने 5 आटे के दीपक रख दीजिएगा और उनमें शुद्ध घी की लंबी बत्ती लगा दीजिएगा और उन सभी 5 दीपकों को एक साथ प्रज्वलित कर दीजिए तथा 2 मिनट हाथ जोड़ करके देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, हे पार्वती पति, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे कैलाशपति महादेव, आप कृपा कीजिए, हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए, हमारे घर में धन की प्राप्ति हो, रुपया पैसा अटूट तरीके से हमें मिलने लगे तथा हम जो भी कार्य करें उसमें सफलता प्राप्त हो। तो इस समय आप जो भी मांगोगे महादेव से वो आपको जरूर प्रदान करेंगे। यदि आप महादेव के सामने इस समय सच्चे मन से बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए तो भोले बाबा आपको 1 करोड़ रुपया भी जरूर देंगे, क्योंकि भोले बाबा तो सर्वशक्तिमान है और सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होते हैं तो वो भोलेनाथ है। देवाधिदेव महादेव से आप सच्चे मन से प्रार्थना करें और रात 9 बजे के पहले पहले आपको 5 दीपक शिवालय में जाकर के प्रज्वलित कर देना चाहिए। यह कार्य बहुत ही उत्तम है और सरल है, लेकिन ध्यान रहे कि अपवित्र स्थिति में, यानी आपके घर में अपवित्रता हो, सूतक हो या फिर पीरियड में माताएं बहनें हो, उनको इस उपाय को नहीं करना चाहिए। अन्य सभी स्वच्छ और पवित्र अवस्था वाले व्यक्ति इस उपाय को यदि करेंगे तो निश्चय ही उनको लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।